तो भाई लोग स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग आज मैं बताने वाला हूँ पांच ऐसे AR गन्स जो आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे गन्स है। और ये गन्स आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि ये गन्स भी ये अच्छे हैं, मतलब बहुत कम बंदे यूज करते हैं, इसलिए ये बहुत मतलब बहुत बंदों को नहीं पता है कि यह गन अच्छा चलता है। बहुत बंदे इस गन को इग्नोर करते हैं, इन गनों को इस वो वही गनों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फिफ्थ पोजीशन पे आता है हमारा XM8 जो कि एक लॉन्ग रेंज और मिड रेंज गन में मिड रेंज में काम आता है चलाने में। और ये इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि इससे हेड बहुत खतरनाक लगते हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मतलब इतना अच्छा कोई भी गन में लगता भी नहीं है, मेरे को नहीं पता लगता है इससे अच्छा गन जो मैं आगे में बताने वाला हूँ। और इसका डैमेज भी अच्छा खासा है और ये इससे एक नया शॉट मार सकते हो, मतलब नया नया है लेकिन ये बहुत कम बंदे मारते हैं जो कि मतलब इन स्कोप जंप शॉट है, मतलब स्कोप इन करो जंप करो और मार सकते हो, बहुत पीस प्लेयर से मार सकते हैं वो शॉट, इसी गन से मार सकते हैं, दूसरे गन में बहुत मुश्किल है, मतलब एक से मैच से ही होगा, ये दूसरे गन से नहीं होगा, इसलिए ये गन अच्छा बोल रहा हूँ मैं। और इसे हेड भी बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हो डैमेज भी अच्छा खासा है। और पहले के टाइम में इसका बहुत अच्छा डिमांड था, फिर बाद में इसका रेट ऑफ फायर थोड़ा कम कर दिया, वरना ये अभी भी अच्छा है, अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। अगर पहले जैसा होता तो खास नंबर वन पे भी आ जा सकता, मतलब। और हमारा फोर्थ पोजिशन पर आता है AN-94। आप लोग ये सोचे नहीं होंगे कि AN-94 इतना अच्छा गन है और बहुत बंदे इसे इग्नोर भी करते हैं क्योंकि मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसे इग्नोर भी करते, इसलिए बहुत बंदे यूज़ भी नहीं करते क्योंकि यूट्यूबर्स इसे यूज़ नहीं करते। मैं बताता हूँ कि यूट्यूबर्स इसे यूज़ नहीं करते, सबसे बड़ा मेन में इसमें कि इसमें साइलेंसर नहीं लगता, इसलिए साइलेंसर और मजल नहीं लगता इसलिए। लेकिन हेड इतना अच्छा बढ़ता है कि क्या भाई क्या, मतलब इन स्कोप भी इतना अच्छा बढ़ते हैं, मतलब क्या बोले इस गन के बारे में, मतलब डैमेज भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपके पास कोई सा भी स्किन है, मतलब ये वाला में जो आप देख रहे हो वो भी फ्री में मिला है, आप वो भी यूज़ कर सब, बिना स्किन के भी बहुत अच्छा चलेगा, मतलब खतरनाक गन है ये बड़ा। और एक अच्छी खास बात है कि इसमें डैमेज के साथ रेट ऑफ फायर सब कुछ है, मतलब सिर्फ साइलेंसर नहीं लग जा सकते, ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने N94 पे फोर्थ पोजिशन में रखा है। तो हमारा तीसरा गन आता है ऑग, जो कि बहुत कम बंदे यूज़ करते हैं लेकिन टोटल बंदे यूज़ करते हैं, मतलब हेड मारने के लिए बहुत अच्छा गन है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें इनबिल्ट 2x स्कोप मिलता है हमें, और ये इसीलिए नहीं, अगर आपके पास 4S मिला तो आप 4S भी लगा सकते हो, अगर आपके पास स्कोप नहीं है तो आपके पास 2x होगा इनबिल्ट 2x, अगर आपको 4X मिलेगा तो आप उसको भी लगा सकते हो, इसलिए ये अच्छा है, सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। इससे हेड भी बहुत अच्छा बढ़ते हैं, मतलब रेंज थोड़ा कम है, डैमेज कम है लेकिन हेड बहुत अच्छा पड़ता है, मतलब अगर आप एक प्रिसाइज प्लेयर हो तो ज़रूर से इसे यूज़ करना क्योंकि ये बहुत अच्छा गन है, मतलब प्रिसाइज हेड बहुत अच्छा पड़ता है रेट ऑफ फायर की वजह से, क्योंकि अगर आपके पास XM8 का डबल रेट ऑफ फायर वाला स्किन है आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा रेट ऑफ फायर होता है उसमें, इसके के आसपास का रेट ऑफ फायर है इसमें, मतलब रेट ऑफ फायर इतना ज़्यादा है कि मतलब भाई साहब इतना ज़्यादा है रेट ऑफ फायर है कि मतलब मेरे को पूछे ना। और तो हमारा दूसरा गन है पैराफेल, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो माफ़ कर देना, मेरे को इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हो, रेस्ट इन प्लीज इंग्लिश कुछ छोड़ो उसको। और पैराफेल के बारे में बात करें तो ये हाई डैमेज वाला गन है और रेट ऑफ फायर कम है इसका, मतलब अच्छा खासा रेट ऑफ फायर है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब M14 विथ रेज कोर पहले कैसा था
अब ये ऐसे है, मतलब डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन के साथ कैसा था उतना रेट ऑफ फायर है इसका, मतलब सेम उसके जैसा ही चलता है, मतलब डैमेज भी उतना ही है, मतलब रेट ऑफ फायर इतना है, मतलब कह सकते हो M14 विथ रेज कोर का छोटा भाई है ये, मतलब ऐसा चलता है ये, मतलब बहुत अच्छा गन है, यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी स्किन्स नहीं है, आप पैसे नहीं लगाते हो तो ये वाले गन्स यूज़ कर सकते हो जो कि मैं बता रहा हूँ, सारे गन्स अच्छे हैं, कोई सा भी गन यूज़ कर सकते हो आप बिना स्किन्स के भी, ये बहुत अच्छा चलता है, मतलब अगर आपके पास स्किन्स नहीं है तो इनको ज़रूर से यूज़ करना, और कभी भी इन गन्स को इग्नोर मत करना, अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हो तो ये पैराफल वगैरह गन्स बहुत अच्छे हैं। और हमारा नंबर वन पे आता है ये खे, अब मैं बताता हूँ क्यों, बाद में बताता हूँ, ये पैराफल वाला क्लिप्स ख़त्म होने दो, बीच में ब्लैक क्यों आया मेरे को नहीं पता, वो कट हो गया था, छोड़ो उसको। और पैराफल के बारे में बात करें तो मतलब M14 निकाल दिया और M14 का रेट ऑफ फायर कम कर दिया और इसको डाल दिया, बस M14 के बदले इसको डाल दिया, ऐसा लगता है, मतलब क्या चलता है गन, और हेड भी बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हो आप, मतलब बीच बीच में हेड लगते हैं, मैं नूब हूँ यार, मेरे को मत पूछना, मेरे बारे में मत पूछो। और कितना देर चला गया ये क्लिप्स और क्या बात करूँ इसके बारे में, मतलब देख सकते हो क्या चल रहा है गन, देखो देखो क्या यार, मतलब अगर आगे आने वाले गन के बारे में बात करें तो नंबर वन पे आता है हमारा AK, आपको पता ही होगा हाई डैमेज है और रेट ऑफ फायर इतना ज़्यादा है, मतलब पहले मैं पैराफल के बारे में बता रहा था, मतलब पैराफल जितना डैमेज और रेट ऑफ फायर क्या है भाई, अगर आपके पास फ्लेम ड्रैको या फिर ड्रैगने के वाला स्किन है तो ज़रूर से यूज़ करना, बहुत अच्छा गन है, मतलब एयर गन्स में बेस्ट एयर गन है, मतलब ड्रैगन और इसके इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है इस कंपैरिजन में, क्योंकि यूज़ नहीं किया यार, मेरे को मत पूछो, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे बने, उसके लिए भी मैं ज़रूर से एक वीडियो लाऊंगा, आप सिर्फ सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों को शेयर कर दो, हमारा चैनल जल्दी से ग्रो कर दो क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा मेरे को। और एक के बारे में बात करें तो क्या बोलूँ भाई, इसका डैमेज रेट ऑफ फायर हेड भी बहुत अच्छे पड़ते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है, मतलब एक बीस्ट गन है, मतलब क्या चलता है यार, मेरा फेवरेट है यार गन है ये, मतलब हेड भी लगते हैं, क्या यार कितना अच्छा गन है, क्या बोलूँ उसके बारे में, तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स और मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, हर वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, आप शेयर नहीं करते हैं यार मेरे को बहुत बुरा लगता है, मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहा, कितना बुरा लगता है यार, तो ज़रूर से शेयर कर देना, मेरे को सपोर्ट चाहिए तो ज़रूर से, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Arches Beats.